हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट किसके बारे में। जी हाँ, हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट हमने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट रूल पढ़ा था, वो था आपका ड्रेगोज़ रूल। ड्रेगोज़ रूल क्या कहता है? ड्रेगोज़ रूल कहता है कि अगर आपका हाइड्राइड 15 और 16 ग्रुप का है और थर्ड पीरियड और उससे नीचे है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बॉन्डिंग के लिए किसी भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप सिंपल प्योर पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और जनरली स्टूडेंट इस ड्रेगो रूल को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे एक और रूल जिसे हम बोलते हैं बेंट रूल। क्या बोलते हैं? बेंट रूल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है जो अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका बेंट रूल। देखिए ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। आपको थोड़ा अलग मिलेगा, थोड़ा अलग मिलेगा, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, सबको मिक्स करके ये चैप्टर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको हर एक रूल को फॉलो करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें बेंट रूल की, तो बेंट रूल का सिंपल सा फंडा होता है, इसे हम कह सकते हैं बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट नेचर, बॉन्डिंग बिटवीन अपोजिट नेचर। आपके अपोजिट नेचर वाले बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अपोजिट नेचर के बीच में क्या होती है? बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो देखिए, हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बात करें तो देखिए, ये मान लो आपका कोई भी ए एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका एक सेंट्रल एटम है ए, ठीक है। इससे आपके पास दो ऑर्बिटल, इसमें दो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो एक ऑर्बिटल तो आपका ये और एक ये हो गया, ठीक है। एक है आपका जिसमें आपके पास मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर है, ठीक है, और एक ऑर्बिटल है जिसमें आपके पास लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर है, ठीक है। अब देखिए, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। लेस परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब इस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, ठीक है। अब ये जो आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये आपके पास दो सराउंडिंग एटम है इसके, ठीक है, क्लियर है, ये दो आपके सराउंडिंग एटम है, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक तो है हाइड्रोजन और एक है फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और हाइड्रोजन होता है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जो फ्लोरीन है वो कौन से ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करना पसंद करेगा? इस वाले ऑर्बिटल के साथ या फिर इस वाले ऑर्बिटल के साथ? बिल्कुल सही, फ्लोरीन जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ क्या करना चाहेगा? बॉन्डिंग करना चाहेगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसका एस कैरेक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो जो आपका फ्लोरीन है वो आपके किसके साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। और ये जो हाइड्रोजन है जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, क्लियर है।
यही सिंपल सा लॉजिक होता है किसका, बेंट रूल का। तो बेंट रूल हमें ये कहता है कि जब भी आपके पास सेंट्रल एटम में, ये आपका सेंट्रल एटम है ठीक है, सेंट्रल एटम जो होता है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ठीक है, अगर वो आपके सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, किसी भी सराउंडिंग एटम के साथ अटैच होते हैं, तो सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल होता है, सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल जो होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम के साथ क्या होता है, अटैच होता है। ये सिंपल सा बेंट रूल होता है ठीक है। इसके बारे में हम लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल ठीक है, इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड, ये मान लो आपका फर्स्ट ऑर्बिटल है और ये आपका सेकंड ऑर्बिटल है ठीक है, सराउंडिंग एटम हो गया फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो गया ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेंट रूल इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इज बॉन्डेड थ्रू सराउंडिंग एटम्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड देन द ऑर्बिटल विच हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वी कैन से मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर will attach with more percentage s character will attach with the element which have less electronegativity and vice versa। मतलब आपका जो less electronegative वाला ऑर्बिटल होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, वो किससे अटैच होगा, आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल इफ द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड, ये आपका सेंट्रल एटम है, इज बॉन्डेड थ्रू सराउंडिंग एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड सराउंडिंग एटम है ठीक है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पे आप सिंगल वर्ड भी ऐड कर लेना ठीक है ना, थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देन द ऑर्बिटल विच हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर विल अटैच विद द एलिमेंट विच हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा ठीक है। ये चीज है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है ठीक है ना, ये होता है आपका बेंट रूल ठीक है। देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है, मतलब ये मोर पावरफुल है। अब एक मोर पावरफुल व्यक्ति है ठीक है, मतलब एक चालाक व्यक्ति है, वो चालाक व्यक्ति किसके साथ दोस्ती करना पसंद करेगा या किसके साथ बिजनेस करना अच्छे से समझेगा, मतलब उसकी इच्छा किससे होगी कि कौन से व्यक्ति के साथ बिजनेस करे, वो एक कम चालाक व्यक्ति के साथ, जो उससे कम चालाक है, मतलब एक बुद्धू व्यक्ति है ठीक है, उसके साथ बिजनेस करना वो पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि ताकि वो उसे क्या कर सके, और ज़्यादा बेवकूफ़ बना सके ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो इस चीज़ को समझने के लिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो ये उस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा जहाँ पे ये डोमिनेट कर सके, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो ताकि ये डोमिनेट कर सके ठीक है। इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम, इसी बेंट रूल को हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए मान लो ये देखिए आपका कार्बन है ठीक है, CH4 की अगर हम बात करें, कार्बन हाइड्रोजन ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन है ठीक है। यहाँ पे ये आपके इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे इसमें ठीक है, चारों आपके सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है ठीक है, बॉन्ड एंगल सेम होंगे, बॉन्ड लेंथ सब सेम होंगे ठीक है। अब देखिए मान लो
अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे मान लो हाइब्रिडाइजेशन आप बात करो तो क्या आएगा, sp3 आएगा, और यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कितना आएगा, 25%। क्लियर है? अब देखिए, मान लो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ कार्बन को हटा के, ये आपका एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका एक फ्लोरीन में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, फ्लोरीन, ठीक है ना। डायग्राम पे मत जाना, अभी हम सिंपल डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका एक फ्लोरीन को मैंने रिप्लेस कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन लगा दिया। अब देखिए, फ्लोरीन क्या है, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ अटैच होना पसंद करेगा, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, मतलब जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, कम हो। यहाँ पे सबका स्टेप पहले कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर था, 25, सबका इक्वल था। अब यहाँ पे जैसे ही फ्लोरीन आया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आपका जुड़ता है तो ये क्या करेगा, कार्बन के परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट किसके साथ अटैच होना पसंद करेगा, जिसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो, कम हो। ठीक है? तो जैसे जैसे आपके पास हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के साथ, वैसे वैसे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर उस बॉन्ड का क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन है। जैसे मान लो यहाँ पे सब पे पहले 25% था, ठीक है, जैसे फ्लोरीन अटैच हुआ इस बॉन्ड के लिए परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गया, मान लो वो 25 में से एक्स कम हो गया, ठीक है, जनरल ऐसे मानते हैं। ठीक है? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर टोटल तो 100 ही रहेगा, ठीक है, कहीं जाएगा नहीं। अगर एक में कम हुआ है तो बाकी तीन में क्या होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स बाई 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स बाई 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके, 25 प्लस एक्स बाई 3। तो यहाँ से हम एक और डेफिनेशन बेंट रूल की कह सकते हैं कि जब आपका सेंट्रल एटम के साथ कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट अटैच होता है तो वो उस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए, उस पर्टिकुलर बॉन्ड के परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट अटैच होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, उस बॉन्ड के लिए, पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है? इसको हम डेफिनेशन से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इफ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट अटैच विथ कार्बन एटम और वी कैन से सेंट्रल एटम, देन इट विल डिक्रीजेस द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ दैट बॉन्ड, उसके परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है? इफ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विथ सेंट्रल एटम देन इट विल डिक्रीज द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ दैट बॉन्ड। ठीक है? ये इसका आपका सेकेंड स्टेटमेंट होता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इंपॉर्टेंट है रूल जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इंपॉर्टेंट रूल होता है। ठीक है? चलिए, एक बात तो ये हो गई। ठीक है? अब मान लो यहाँ पे एक और केस बनता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट हो या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या होगा। देखिए, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है तो वो लोन पेयर को क्या कर सकता है, इजीली अकोमोडेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर ज़्यादा है। और अगर हम बात करें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है? तो उनको होल्ड करने की जो टेंडेंसी होगी, मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर को, वो किसके पास ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। मतलब अगर आपके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर प्रेजेंट है या फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है
तो वो उसके साथ अटैच होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान करनी है और नोट करके लिखना है। इफ़ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट देन द ऑर्बिटल विल अटैच टू द एलिमेंट विच हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंगल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड में तो नॉर्मल ही कॉन्सेप्ट है। डबल बॉन्ड और लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो वो किसके साथ अटैच होंगे, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि वो एलिमेंट ही क्या कर सकता है, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा रूल होता है बेंट का, बेंट रूल, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल लगेगा अभी, ठीक है ना, नया नया है, टिपिकल लगेगा। एक दो दिन, चार पांच दिन जैसे लेक्चर अपने स्टार्ट होंगे और बॉन्ड एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट काम में आएगा आपके पास, बॉन्ड पैरामीटर्स जब हम पढ़ेंगे तब हम उनको दोबारा से यूज़ करेंगे, तब आपके पास और ईजी तरीके से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर और बॉन्डिंग होती है अपोजिट नेचर में। ठीक है, मतलब मोर परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर किसके साथ अटैच होना पसंद करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। लेस परसेंटेज एस वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ अटैच होना पसंद करेगा। ठीक है, अपोजिट नेचर से याद रखना आपको, और बाकी कोई याद नहीं रखना। ठीक है, बाकी जैसे अभी हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा आपके लिए ये रूल। ठीक है ना, इतनी आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ काम में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी इसके बारे में, इसकी एप्लीकेशन के बारे में, कि बेंट रूल जो हमने देखा है इसकी क्या एप्लीकेशन है, बेंट रूल के ज़रिए हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किन किन प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन आती है वो ये है कि बेंट रूल के ज़रिए हम जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनकी करेक्ट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल। अगर हम बात करें बेंट रूल की एप्लीकेशन की, तो सबसे फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन आती है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चर। जैसे हर एक मॉलिक्यूल की आप करेक्ट स्ट्रक्चर इससे डिफाइन कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे हमने बात की थी sp3d, आपके ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और पेंटागोनल बाईपिरामिडल, उस केस में क्या होता है आपके दो टाइप की बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक होते हैं आपके पास एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए अगर हमें मान लो स्ट्रक्चर बनानी हो, जैसे आप ले लीजिए C, Cl3F2, C की जगह आप लीजिए P, PCl3F2, और सेकंड ले लीजिए आप PCl2F3। ठीक है, ये दो आपके पास कंपाउंड्स हैं, इनकी आपको स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो देखिए अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाने चलें इन दोनों कंपाउंड्स की, ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे बन सकती है, ये आपका फॉस्फोरस, ठीक है, तीन तो आपके क्या होंगे, इक्विटोरियल बॉन्ड होंगे। यहाँ पे अब मैं क्लोरीन 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 को रख देता हूँ और ऊपर नीचे आपके फ्लोरीन को रख देता हूँ।
ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो इसकी ये हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा और स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ, जैसे फास्फोरस ले लिया मैंने, मैं क्या करूँ, दो क्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, और एक फ्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, इस टाइप से मैं आपकी क्या करूँ, स्ट्रक्चर बना दूँ, बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर फॉस्फोरस ले फास्फोरस लिया, ले लिया ये आपके, और दोनों फ्लोरीन को मैं क्या करूँ, अपोजिट रख दूँ, ये फ्लोरीन दोनों अपोजिट रख लिए, तो मैं क्या करूँ, दोनों क्लोरीन को इस बार अपोजिट रख लेता हूँ, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन। तो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर सही है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डिफाइन नहीं कर सकते। सेम टू सेम मैं PCl2F3 के लिए भी बना सकता हूँ, ये फॉस्फोरस, ये आपका क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन ले लेता हूँ, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। या फिर फॉस्फोरस ले लिया, दोनों क्लोरीन मैंने अपोजिट साइन में ले लिए, ये बाकी तीन एफ फ्लोरीन मैंने इस डायरेक्शन में ले लिए, तो इनमें से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, कैसे पता चलेगा, वो हम डिफाइन करेंगे किसके जरिए, बेंट रूल के जरिए, ठीक है। देखते हैं कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा था, जब आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, तो ये जो पोजीशन होती है, ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं आपके, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है, और ये होते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, ये आपका जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, जबकि एक्सियल बॉन्ड्स में आपके पास pz और साथ में आपके कौन सा dz² हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करें, तो देखिए sp2 मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर, सारा का सारा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, केवल केवल आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स में, जबकि यहाँ पे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ भी नहीं है एक्सियल बॉन्ड में, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर कुछ भी नहीं है, जबकि इसलिए उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ भी नहीं होता है, जबकि sp2 है, तीनों आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स है, ठीक है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा आपके केवल और केवल इक्विटोरियल बॉन्ड्स में रहेगा। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा रहेगा, हम लिख सकते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स पे आपका क्या रहेगा, मोर परसेंट एस कैरेक्टर, कंपेयर कर रहे हैं हम एक्सियल बॉन्ड से, ठीक है। तो देखिए अगर मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इक्विटोरियल बॉन्ड से आपका कौन सा एलिमेंट ऐड होना पसंद करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, लेस हो, अटैच विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, या फिर आप ले लीजिए एलिमेंट, ये बेंट रूल का फंडा होता है करेक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो देखिए अब इन तीनों में से और इन दोनों में से आपकी करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी है, वो हम पता करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन और फ्लोरीन, आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपके जितने भी है, अगर हम फर्स्ट की बात करें, तो सब आपके इक्विटोरियल पोजिशन पर होने चाहिए, तीनों क्लोरीन आपके इक्विटोरियल पोजिशन पर है, बिल्कुल करेक्ट है, बाद में फ्लोरीन आपके एक्सियल बॉन्ड में है, ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे, तो ये करेक्ट है, ये दोनों आपकी पोजीशन करेक्ट गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन देखिए एक्सियल बॉन्ड में अटैच है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अपने पास कोई कंडीशन ही नहीं बचती है, तब जाके बात हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक्सियल बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आपका कौन सा एलिमेंट ऐड होगा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट विल एड, ठीक है, वहां पे आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एड होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट स्ट्रक्चर, ये दोनों आपके रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां हम बात करें, देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो क्लोरीन होना चाहिए आपके इक्विटोरियल पे, ये सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल पे बनाया हुआ है, ठीक है। तीन पोजीशन है तो दो, किन्हीं भी दो पे आप क्लोरीन को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीन फ्लोरीन है तो आपको कहीं पे भी रखना पड़ेगा फ्लोरीन को, यहाँ यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया है, क्या है, करेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर। और ये भी आपका क्या है, करेक्ट स्ट्रक्चर। तो कभी भी ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना रहता है एक्चुअल में, कि क्लोरीन को कहाँ रखें, फ्लोरीन को कहाँ रखें, तब आपको यूज़ करना है बेंट रूल को, ठीक है। और देखना है इक्विटोरियल पोजीशन पे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है उसको ऐड करना है, और एक्सियल पोजीशन पे उस एलिमेंट को ऐड करना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चर, क्लियर है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड एप्लीकेशन होगी इसकी, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। अलग अलग स्पीसीज में अगर आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी हो तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर की, ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिस स्पीसीज में आपके पास या जिस बॉन्ड में आपके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, या जिस ऑर्बिटल में आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब वो ऑर्बिटल आपका न्यूक्लियस के क्या है, नज़दीक है, ठीक है। इसका मतलब वो दूसरे एलिमेंट को, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड के साथ ओवरलैपिंग करेगा वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, क्लोज आएंगे। जैसे ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, दोनों की ओवरलैपिंग से आपका क्या हो रही है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ए और बी में अगर हम देखें, जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, मान लो ए का परसेंटेज एस कैरेक्टर और बी का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसका मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा क्लोज आएंगे, मतलब इस बार क्या होगा, ए ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो भी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, ये आपका बी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों मोलिक्यूल, दोनों एटम्स क्या हैं, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आएंगे, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, तो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आएंगे आपके ऑर्बिटल। अगर ज़्यादा क्लोज आएंगे तो ऑर्बिटल की जो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, या फिर आप सिंपल तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ऑर्बिटल के ऊपर क्या होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब आपका ऑर्बिटल न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास में आएंगे, और पास में आएंगे तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, क्या है आपकी बॉन्ड लेंथ,
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज एस कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज होगी। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं आपके CH4 और सेकंड लीजिए CFH3 CF2H2 और CFH3 CHF हो गया ना, तो CF3H। ठीक है, हमें क्या करना है, इनमें कंपैरिजन करना है बॉन्ड लेंथ का, CH बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो आप कंपेयर CH बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी हमें, कार्बन हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बन ने रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन को, तो कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपका फ्लोरीन ले लीजिए, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन CF3H है, ठीक है ना, सिंगल ही रहेगा H F F, ये आपका फ्लोरीन। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए चारों सराउंडिंग एटम सेम है, मतलब ये आपके इक्वेटोरियल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है। ठीक है, इक्वेटोरियल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हमने देखे थे, जहाँ आपके सराउंडिंग एटम क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। ठीक है, और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, मतलब आपकी जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन और हाइड्रोजन की, ये सब में क्या होगी, सेम होगी। क्लियर? यहाँ अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, वो कितना होता है आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है, 25%। ठीक है, तो यहाँ पे आपके परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा, 25% सभी में, 25%। और यहाँ पे भी कितना होगा, 25%। ठीक है, हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखना है। हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका रिवर्स करेंगे तो आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है, मैंने आपको बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये क्या करेगा, कार्बन के परसेंटेज, इस बॉन्ड के परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। अगर मान लो डिक्रीज करता है, जैसे यहाँ पे पहले कितना था, 25, तो इसने डिक्रीज किया 25 माइनस एक्स, एक्स डिक्रीज किया। ठीक है, तो ये एक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में इक्वल। ठीक है, क्योंकि बाकी में बढ़ेगा, तो ये हो गया 25 प्लस एक्स, ये भी हो गया 25 प्लस एक्स, और ये भी हो गया आपके पास 25 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दो फ्लोरीन है, दोनों डिक्रीज करेंगे, 25 माइनस एक्स ये भी, और 25 माइनस एक्स, तो डिक्रीज कितना हुआ, माइनस 2x का डिक्रीज हुआ। वो जो 2x है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना होगा, x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों में कितना इंक्रीज होगा, 25 प्लस एक्स और 25 प्लस एक्स। क्लियर? आगे देखिए यहाँ पे तीन फ्लोरीन है, डिक्रीज करेंगे, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा कितना, 25 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, हमें सी एच बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं गलती हुई है, यहाँ पे गलती हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे x डिक्रीज हुआ है तो सब में इंक्रीज होगा, x/3 इंक्रीज होगा। ठीक है ना, नॉट x, x/3 इंक्रीज होगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में। क्लियर?
चलिए यहाँ पे सही है, वहाँ पे भी सही है, ठीक है। यहाँ पे 3x आएगा, 3x, क्योंकि x x x तीनों से माइनस हो रहा है, तो वहाँ पे प्लस 3x आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको हाईएस्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर दिख रहा है, हाईएस्ट परसेंट एस कैरेक्टर, अगर हाईएस्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम। सो मिनिमम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी होगी, आपकी सी एफ थ्री एच की सबसे कम होगी। इसके बाद देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके बाद किसका ज़्यादा है, इसका, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होगी, दैट इज सी एफ टू एच टू। इसके बाद यहाँ पे सी एफ एच थ्री, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, सबसे कम है 25%, बाकी सब में 25 से ज़्यादा है। यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सी एच फोर। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है या फिर परसेंटेज या फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आया समझ में, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी और अच्छा रूल है ये जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसके बारे में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ट, ठीक है। तो देखिए आपको कंपैरिजन करना है यहाँ पे पी और सी एल बॉन्ड का, ठीक है। पी सी एल बॉन्ड लेंथ का आप कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल हम लेते हैं पी सी एल एफ फोर, ठीक है। एक हम लेते हैं पी सी एल टू एफ थ्री, और एक हम लेते हैं आपके पास पी सी एल फोर एफ, ठीक है। चलिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, इनकी करेक्ट स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही है, बेंट रूल से बनाइए। ये फॉस्फोरस है, क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट कौन है, आपका क्लोरीन है। तो क्लोरीन आपका इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही है, ठीक है। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। क्लोरीन आपके इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगा सभी में, ठीक है। ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ठीक है। इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्लियर है। यहाँ देखिए फॉस्फोरस, क्लोरीन, एक और क्लोरीन, यहाँ पे आपके बाद में आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ देखिए फॉस्फोरस, क्लोरीन, 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 ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया आपका क्लोरीन। आपको पी सी एल बॉन्ड लेंथ का क्या करना है, कंपेरिजन करना है, ठीक है। चलिए देखिए ये जो आपके एक्चुअल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ये जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ये आपके sp2 होते हैं, और ये जो एक्चुअल बॉन्ड होते हैं ये आपके, इनमें कौन से ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन होता है, pz और dz स्क्वायर का, ठीक है। जबकि यहाँ पे इक्विटोरियल पोजिशन पे किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपके sp2 ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो एक्सेल जो बॉन्ड्स होते हैं वो आपके परसेंटेज एस करेक्टर में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। आपको इनको नेगलेक्ट कर देना है, एक्सेल बॉन्ड्स को, परसेंटेज एस करेक्टर के लिए, ठीक है। तो आप नोट डाउन करके यहाँ लिख सकते हो, एक्सेल बॉन्ड्स ये जो होते हैं आपके एक्सेल बॉन्ड्स डू नॉट पार्टिसिपेट और डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन परसेंटेज एस कैरेक्टर, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर में कोई रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। बट जो इक्विटोरियल पोजिशन पे है वो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए फ्लोरीन, 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 sp2 हाइब्रिडाइज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा 33,
ठीक है, इन दोनों को हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 33, कितना है आपका 33, यहाँ पे भी कितना है आपका 33, और यहाँ पे भी आपका कितना है 33। अब फ्लोरीन अटैच है, कुछ ना कुछ परसेंटेज एस करेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मान लो यहाँ पे एक्स डिक्रीज किया, यहाँ पे भी एक्स डिक्रीज किया, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा कितना, 2x। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक फ्लोरीन है, डिक्रीज किया 33 माइनस एक्स को, यहाँ पे इंक्रीज होगा कितना, 33 प्लस एक्स बाई टू, और यहाँ पे कितना होगा, 33 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे तो सभी सेम है, तीनों क्लोरीन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम रहेगा, 33 रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ है, यहाँ पे। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। बिल्कुल सही, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, PCl F4 की सबसे कम, उसके बाद PCl2 F3, और लास्ट में आएगा आपके पास PCl4 F। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे मैक्सिमम। क्लियर है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, चले देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी के ऊपर बेस्ट। देखिए ये चीज़ें आपको एग्जांपल कर करके ही क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, अब आप कंपैरिजन कीजिए एसओ बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, एग्जांपल है आपके पास SOF2 और SO2F2। अच्छा एग्जांपल है, याद रखने वाला है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं, S डबल बॉन्ड O, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, S डबल बॉन्ड O, ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक चीज़ आपको और नोटिस करनी है, यहाँ पे सल्फर के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। तो और आपके पास इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोन पेयर होता है उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है, लोन पेयर है मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4 sp3, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होगा। ठीक है, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंस है तो मैक्सिमम परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन एक्वायर करेगा, आपका लोन पेयर। यहाँ से दोनों फ्लोरिन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बट लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। यहाँ देखिए कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, जितना फ्लोरीन डिक्रीज करेगा, मान लो एक्स डिक्रीज किया, तो वो पूरा का पूरा आपके यहाँ पे चला जाएगा एस डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो जितना डिक्रीज किया उतना ही क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, जबकि यहाँ पे जितना डिक्रीज करेंगे उतना यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लोन पेयर है और लोन पेयर क्या करेगा, मैक्सिमम एस कैरेक्टर को अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा होगा, मतलब ये जो स्पीसीज है एस डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके मोर यू कैन से हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लेस, सो लेस बॉन्ड लेंथ, आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपको SOF2 और SO2F2 यहाँ कंपैरिजन करना है, तो बॉन्ड लेंथ कम होगी SO2F2 में। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। क्लियर है, अच्छा एग्जांपल है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। ये लोन पेयर जब भी प्रेजेंट हो उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको मैक्सिमम लेना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, H2O2 और आप लीजिए
O2F2, इनमें आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर OO बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, कंपेयर NN बॉन्ड लेंथ, किसमें, N2H4 और आपका N2F4 में, ठीक है। इसको नोट कीजिए और इन दोनों में आप ऑर्डर फाइंड आउट कीजिए। चलिए, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं उन दोनों एग्जांपल्स के लिए। आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें H2O2 की, ठीक है, ये हो गया आपके पास FOOHF, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर सभी ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट है, तो लोन पेयर वाला फंडा तो यहाँ काम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास इक्वल लोन पेयर है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, एक के पास प्रेजेंट था, एक के पास नहीं था, तो वहाँ हमने लोन पेयर का कॉन्सेप्ट काम में लिया, लेकिन यहाँ पे तो सेम है, वो वाला फंडा काम में नहीं आएगा। नॉर्मल फंडा फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस बॉन्ड के परसेंटेज एस करेक्टर को डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होगा, अगर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं आपके H2O2 और O2F2 में से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, और H2O2 में ज़्यादा होगी, ठीक है, सिंपल सा कंपैरिजन था। सेकंड है N2H4, ये देखिए N H H, ये H और H, ठीक है, यहाँ पे लीजिए N फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ठीक है। लोन पेयर एक एक सभी के पास प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास कोई फंडा नहीं लगेगा, ठीक है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस बॉन्ड के परसेंटेज एस करेक्टर को डिक्रीज करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, डेफिनेटली परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा। अगर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप देखिए फिर से कंपैरिजन N2H4 और आपके N2F4 में, यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ आपकी कम होगी और N2H4 में क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए, ओके। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की आपके बेंट रूल के बारे में, बहुत अच्छा रूल है और इम्पोर्टेंट रूल है, जो आपके बहुत क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम में आएगा। सिंपल सा रूल है, बॉन्डिंग विथ अपोजिट नेचर, ठीक है, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट के साथ अटैच होगा, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर कम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके साथ भी अटैच है उसके परसेंटेज एस करेक्टर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इम्पोर्टेंट हमने देखी इसकी एप्लीकेशन, फर्स्ट क्या थी एप्लीकेशन, इससे हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं, करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ठीक है, जैसे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हुआ, ठीक है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल हुआ, वहाँ पे हम करेक्ट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेंट रूल की हेल्प से, ठीक है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको आपको अटैच करना है कहाँ पर, इक्विटोरियल पोजिशन पर, ठीक है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आपको एक्सेल बॉन्ड से अटैच कर देना है, ठीक है, वहाँ से आपको करेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगी। और बाद में एक और एप्लीकेशन हमने देखा, दैट इज बॉन्ड लेंथ का भी कंपैरिजन कर सकते हो आप परसेंटेज एस कैरेक्टर से, बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, और उसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो सोल्व किए, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।